पूरी तैयारी की अंतिम रात्रि समाप्त होते ही करीमगंज जिले के 15,521 छात्र बाद में परीक्षा में बैठने वाले हैं। इन सभी का विद्यालय निरीक्षक अनूप कुमार दास और आश्रित दत्त ने अग्रिम अभिनंदन किया। उन्होंने दो मीडिया आउटलेट्स को बताया कि इस साल 14,402 हाई स्कूल के छात्रों सहित सर्विस और हाई मदरसों सहित कुल 15,521 छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 6,099 पुरुष और 8,220 महिलाएं हैं। वहीं जिले के उच्च मदरसों में 119 छात्र हैं, जिनमें 60 पुरुष छात्र और 39 छात्राएं हैं। इस बार जिले में कुल 16 परीक्षा केंद्र हैं और इन 17 केंद्रों के लिए सेवा बोर्ड ने 26 व्यक्तियों को पर्यवेक्षक के रूप में परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मीडिया को बताते हुए इसके अलावा जिला प्रशासन परीक्षा को उचित तरीके से आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग को हर संभव सहयोग देगा। मैट्रिक परीक्षा शुरू हो तो सम्पूर्ण प्रस्तुति अकॉर्डिंगली सब सेंट्रल इंचार्ज के लिए मीटिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक मीटिंग करी सब छात्र छात्री एडुकेशन डिपार्टमेंटर तरफ थे शुभेच्छा जाना वरा जाते भलोक परीक्षा दीते पारे कोनो झमेला ना तार जन्नो करीमगंजे सेंटर आछे 17 सेंटर समस्त डिस्ट्रिक्टे सेवा अपॉइंटमेंट दिए एसओ सुपरवाइजिंग अफिसार 28 जन आमादेर डिस्ट्रिक्टे टोटल स्टूडेंट एपियार्ड हो 14,402 जन तार मध्य मेल हलो 6,009 जन फिमेल हलो 8,220 जन एटा HSLC एवं एबारे लास्ट आमादेर आसाम हाई मद्रासा एग्जामिनेशन एकटा होबे एखाने टोटल एपियार्ड होबे 119 जन तार मध्य मेल 80 जन और फिमेल 39 जन। तो आमादेर प्रस्तुति सब सम्पूर्ण কোনো দিক থেকে কোনো ধরনের কোনো কিছু আসে নাই এবং কালকে থেকে আশা করি ভালোই ভালোই আমাদের পরীক্ষা চলবে এবং সব সেন্ট্রাল ইনচার্জকে আমরা সতর্ক করে দিয়েছি, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে হলের ভিতরে কোনো ধরনের মোবাইল ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কিছু না নিতে নিয়ে ঢুকতে পারে সব ব্যবস্থা আমরা করে নিয়েছি এবং সিসি ক্যামেরা সব সেন্টারে থাকবে। R9 भारत के लिए करीमगंज असम से रियाजुल छदील की रिपोर्ट।